सरकार के दावों की खुल रही है पोल। आजादी के 70 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं के इंतजार में आदिवासी परिवार। सरकार भले ही डिजिटल इंडिया की बात करती थक नहीं रही हो, लेकिन सरकार की आंखें खोलने के लिए मुंगावली ब्लॉक के बिजोरी गांव की तस्वीरें ही काफी हैं, जहां एक ओर सरकारें स्वच्छता अभियान पर करोड़ों रुपए बर्बाद कर रही है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ऐसा ही एक मामला मुंगावली ब्लॉक के बिजोरी गाँव के सैकड़ों आदिवासी परिवारों से जुड़ा है, जहाँ ये आदिवासी कीचड़ युक्त पानी पीकर गुजर बसर कर रहे हैं, जिस पानी को जानवर पीने से कतराते हैं। यह स्थिति तो जनवरी माह की है, जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तो गर्मी के मौसम में इनका क्या हाल होता होगा। पानी के लिए किस कदर परेशानी का सामना इन परिवारों को करना पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल तो इस तरह लोगों को कीचड़ युक्त पानी पीते देखते हुए भी कहा जा सकता है कि इन ग्रामीणों का जीवन यापन तो भगवान भरोसे ही चल रहा है, क्योंकि ऐसे गंदे पानी पीने के बाद ही ये लोग किस तरह बीमारी की चपेट में नहीं आए हैं, ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है। तर एक सूखे कुएं से कीचड़ युक्त पानी निकालते हुए जब ग्रामीणों को देखा गया और उनसे पूछा गया कि इस पानी का उपयोग क्यों करते हैं, तो इन ग्रामीणों ने उदास होते हुए बताया कि हमारे गांव में कोई भी हैंडपंप नहीं है, ये वर्षों पुराना कुआं है जो हमारी प्यास बुझाता आ रहा है। सोचने वाली बात तो ये भी है कि गंदा पानी भी ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर उपलब्ध होता है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि एक दो दिन में कुएं में उतरकर उसमें एक और गड्ढा कर दिया जाता है, जिससे कि पानी एक जगह एकत्रित हो जाता है, उसके बाद वे इस पानी को उपयोग में लेते हैं। इस तरह ब्लॉक मुख्यालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर नारकीय जीवन यापन कर रहे इन सैकड़ों परिवारों को देखने के बाद तो ये कहा जा सकता है कि भले ही सरकारें डिजिटल इंडिया की बात करते थक नहीं रही हों, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो आज भी ग्रामीण व गरीब परिवार मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी इंतजार की आस में लगाए बैठे हैं। लगभग 1000 आबादी वाले इस गाँव के बारे में देखा जाए तो पूरे गाँव में एक हैंडपंप स्कूल के पास लगा है, जिसमें भी पानी काफी कम है, और जहां से आदिवासी परिवार रहते हैं उससे हैंडपंप की दूरी भी लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। जब इस मामले में पीएचई विभाग के एसडीओ एके जैन से जानकारी ली गई तो उनके द्वारा कहा गया कि आपके द्वारा ही इस तरह की समस्या के बारे में बताया गया है, तुरंत मौके पर जाकर देखूंगा और जो भी उचित व्यवस्था होगी वह करा दी जाएगी। परेशानी है, दिक्कत आ रही है, मचो है, गपलो है, और कोई व्यवस्था नहीं है, ना नल की ना कुछ की, गंदो पानी पी रहे हैं हम। माने ये तो गंद पीते हैं और ना आपने कोई सुनाई नहीं कर रहा के माने पीबी को बच्चा बीमार हो जाए, कौन लो आ जाएगा अस्पताल, कहाँ कहाँ जाएंगे फिर। स्थिति आई आपने बताया है, मेरे संज्ञान में लाया है, मैं आज ही जा रहा हूँ और हो जाएंगे सर्वेक्षण करते पूरे गांव का, देखते हैं क्या पोजिशन बनती है, और अगर नहीं है नलकूप तो नलकूप का प्रस्ताव तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को संज्ञान में ला के मैकेनिकल विभाग के संगठन में लाके हैंडपम्प जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश की है।